दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सतीश कुमार जी हैं जो काफ़ी समय से डेरा सुचा सौदा में आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपने जॉब करते हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सुचा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का नमस्कार सतीश जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर कितने समय से आप आ रहे हो आश्रम में? मैम मैं करीब 30 साल से जुड़े हुआ हूँ। सर कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा माहौल है जी। आपका परिवार भी आता है सर? तो सारा परिवार ही आता है जी। बेटियां भी आती हैं सर? हाँ जी बेटी भी। बेटियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहना है सर? बेटियों की सुरक्षा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सभी को दिख ही रहा है, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे बेटियों के लिए। बेटियों के लिए तो गुरु जी ने इतना कुछ किया है, उनका तो हम देन ही नहीं दे सकते। सर कैसा सिस्टम होता है, मतलब गर्ल्स को मतलब कैसा सिस्टम रखा जाता है? गर्ल्स के जैसे यहाँ पे देख ही रहे हैं हम, जैसे बहनों का अलग सिस्टम है, भाइयों का अलग सिस्टम है, हर चीज़। कभी भी सर ऐसा महसूस किया हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? कभी मीडिया तो ऐसा है मैडम, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मीडिया उस टाइम जैसे सरकार ने खरीद ही लिया था मीडिया, जो आरोप सर संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं बिल्कुल ही बेबुनियाद, बिल्कुल झूठे आरोप जो चीज़ दिखाई मीडिया में। बल्कि मेरे साथ ये नया एक भाई भी आया हुआ है, मैं उसको दिखा के भी लाया वहाँ पे जाके भी, जो गुफा के बारे में दिखा रहे थे भाई वो क्या चीज़ दिखा रहे थे, कितना गलत दिखा रहे थे वो चीज़। वो सर सच क्या है, गुफा का सच क्या है? गुफा का तो ये वैसे ही ढोंग दिखा रखा है इन्होंने तो। गुफा तो हम जैसे हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, सेवा भी करते हैं यहाँ पे, तो वो तो एक सिंपल जैसे सत्संग होता है वैसे ही उसमें सेवादार जाते हैं, जैसे मीटिंग होती है वहाँ पे गुरुजी प्रसाद देते हैं, अच्छे भजन बोलते हैं, बस ये कुछ है और क्या है वहाँ पे। सर क्या आपको लगता है गुरुजी ने समाज के लिए कोई योगदान दिया है? समाज के लिए तो मैम गुरुजी ने अपना सब कुछ ही नौछावर कर दिया और क्या कहें, बस इतने मानता फैलाई ये काम चलाए हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप है, पीछे भी मैं आया था ब्लड डोनेट करके गया था यहाँ पे आके, और भी जैसे मानता भाई के 134 काम चलाए हुए हैं जैसे डेरा सच्चा सौदा। गरीबों के लिए क्या किया है सर गुरुजी? गरीबों के लिए तो मैम जैसे फूड बैंक है, रोटी बैंक है, हर चीज़ ही तो खोल रखी है। फूड बैंक में जैसे हम अनाज इकट्ठा करके गरीबों को देते हैं, जो गरीब के जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है उनके लिए मकान बनाकर दे रही है साथ संगत, गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव है मैं ये सब कुछ। सर 3-4 सालों से अब गुरु जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? बस अब तो यही अरदास ही कर रहे हैं अभी जल्दी से जल्दी आ जाएं बस। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से? आप सरकार से तो यही अपील है अभी, जैसे मानवता भलाई के इतने काम चले हुए थे, इतना नशा समाज में फैल चुका है, इतनी गंदगी फैल चुकी है समाज में, उस चीज़ को अगर दूर करना है तो गुरुजी को जल्दी से जल्दी ही आ जाना चाहिए बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का कहना है कि समाज में संत जी वापस जल्दी आने चाहिए, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।